38,428 रुपीस दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, 6,875 रुपीस आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। जो 300 सीसी की बाइक होती है उसमें भी इतना बड़ा डिस्प्ले आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, और ये 250 सीसी की बाइक है उसमें आपको मिला है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो, और देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू KTM ड्रिफ्ट 250, जो BS6 फेज 2 E20 वाली आपको मॉडल यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। ऑरेंज एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ में ये बाइक देखने के लिए मिल जा रही है। काफ़ी लोगों की जो ये बाइक होती है ड्रीम बाइक होती है गाइस, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो अगर ये बाइक ड्रीम है तो आप लोग अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो डाउन पेमेंट और ईएमआई बताने वाला हूँ तो उससे आप आराम से इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। दो तरह के आपको डाउन पेमेंट मैं बताने वाला हूँ, और 3 से 4 तरह की आपको मंथली ईएमआई, जो लो डाउन पेमेंट है उससे तो आप आराम से इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी यहाँ पे जो है अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो रोड पे ही बाहर में ही मतलब वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि शोरूम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो इसके वजह से बाहर में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह की आवाज़ आ रही है, क्योंकि रोड जो है बगल में है देख सकते हैं, और जो शोरूम में देख सकते हैं कि यहाँ पे है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो कोई नहीं, उसे इग्नोर करना, बाकी जो है मैं बताने वाला हूँ उसे फोकस ज़्यादा करना गाइस। तो चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं अगर फ्रंट से, तो फ्रंट में कुछ इस तरीके की आपको फेसलिफ्ट देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको व्हाइट कलर की पूरी हेडलाइट की सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाती है LED में। यहाँ पे जो है मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसकी जो है हेडलाइट ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे जो है हजार्ड फ्लशर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके साथ आप लोग यहाँ पे इसके इंडिकेटर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की LED में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगी। मडगार्ड यहाँ पे आपको ग्रे कलर में देखने के लिए मिल जा रही है, जो मैट में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। USD फॉक्स सस्पेंशन जो आपको अपसाइड डाउन USD फॉक्स सस्पेंशन दिया गया है, ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर इस 10 मीटर थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें रेडी टू रेस लिख करके आ रहा है। यहाँ पे टाइम बताने वाला, जो घड़ी का टाइम है वो आपको यहाँ बताने वाला है। बाकी यहाँ पे RPM यहाँ से यहाँ तक जा रही है, स्पीड आपको यहाँ बताने वाली है। बाकी यहाँ पे जो है गियर आपको बताने वाली है कि कौन से नंबर पे आपकी गाड़ी चल रही है, और यहाँ पे ABS वगैरह अगर ऑन हो तो वो सब आपको यहाँ पे लिख करके आ रही है। रियर ABS जो है, रियर में भी आपको ABS देखने के लिए मिल जा रही है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। जो रियर का जो ब्रेक है उसमें भी आपको ABS देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें आपको ABS देखने के लिए मिल जा रही है। देख सकते हैं ABS की जो वायर है वो गई हुई है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रियर में भी ABS देखने के लिए मिल जाती है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिख करके आ रहा है। अगर मैं इसकी डिजिटल लाइट की बात कर लूँ तो ऊपर में देख सकते हैं काफ़ी सारे डिजिटल लाइट दिए गए हैं, जो यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे जो है फ्यूल का आपको बता, मतलब अगर FI में जो है फ्यूल नहीं जा रही है तो ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। बाकी अलर्ट यहाँ दिया गया, कोई भी सेंसर वगैरह कर काम नहीं करता है तो ये जो लाइट है ऑन हो जाएगी। इंजन में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो ये जो इंजन मॉल फंक्शन का लाइट वो ऑन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ABS देखने के लिए मिल जा रहा है, न्यूट्रल का लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। जब बाइक स्टार्ट होगी तो ये जो सभी लाइटें हैं वो बंद हो जाएंगी, और ये जो लाइटें हैं वो ऑन रहेगी। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं कि सभी बंद हो गए। ये जो अभी ब्लिंक कर रही है, जब मैं हजार्ड फ्लशर को बंद करूँगा तो ये भी बंद हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे हजार्ड फ्लशर बंद करने के बाद बंद हो गई, और जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये फिर यहाँ पे ये जलने लगेगी। मतलब ये एक बार रिमाइंड कर रहा है कि जो है कुछ आपका जल रहा है, जो लाइट वगैरह है वो आपको देख लेना है तो आप बंद कर लेना है, क्योंकि मतलब चारों इंडिकेटर हर टाइम तो ऑन करके चल नहीं सकते हैं ना, इसीलिए ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे इसे बंद करने के बाद ये चीज़ हो गई। बाकी मीटर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। स्विचेस की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे इसे बंद करते हैं। स्विचेस आपको यहाँ पे पासिंग जो देखने के लिए मिल रहा है, इसी में आपको हाई और लो देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे हजार्ड फ्लशर का जो स्विच है वो आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे जो माउंट जो बटन दी गई है चार, ये जो आपको मैनुअल है वो आपको कंट्रोल करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड स्टैंड जो गिरा हुआ है वो सब लिख करके आ रहा है। यहाँ पे फ्यूल रिजर्व है वो लिख करके आ रहा ही थे। बाकी ट्रिप वगैरह सब आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे जो फंक्शन है उसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे है इंडिकेटर का जो है स्विच देखने के लिए मिल जा रहा है, यहाँ पे ऑन का स्विच देखने के लिए मिल जा रहा है। इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे इंजन का स्विच आपको मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट के लिए आपको बटन देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे अब बात कर लेते हैं अगर फ्यूल टैंक के ऊपर, तो फ्यूल टैंक के ऊपर जाकर KTM का आपको लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, E20 की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, और फ्यूल टैंक कैप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जो है ब्लैक कलर में, ये प्लास्टिक में आपको देखने के लिए मिल रही है, जो ब्लैक कलर में दी गई काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये। तो बाकी इधर से आते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हैं कि ड्यूक 250 लिख करके आ रही है यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा, और यहाँ पर जो फ्यूल टैंक का कैप जो है साइड का काउल जो है वो आपको ऑरेंज में देखने के लिए मिल जा रही है, और यहाँ पे स्प्लिट में आपको सीट आ जा रहा है, स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जा रही है। यहाँ पे बैकरेस्ट का जो सिस्टम है वो आप लोग देख सकते हैं, जो कीचड़ गार्ड वगैरह है यहाँ पे से हटा दी गई है अभी, जो यहीं पे है आप लोग को इनबिल्ट कर दी गई है अभी के लिए, ये चीज़ यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को कीचड़ वगैरह नहीं लगने वाली है। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा चौड़ा में कर दिया गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट का जो लाइट है आपको मैं एक बार इग्निशन ऑन करके देखता हूँ कि LED में है या हैलोजन में है, तो जी हाँ LED में आपको देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। टेल लाइट का सेक्शन जो है कुछ इस तरीके की आपको टेल लाइट की सेक्शन देखने के लिए मिल जा रही है गाइस। बाकी यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन जो 7-स्टेप एडजस्टेबल जो बीच में होती थी वो अब साइड में कर दी गई है, जो काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है वाइट कलर में। और यहाँ पे जो है आपको इंजन की अगर मैं बात कर लूँ तो इंजन जो इसमें दिया गया है गाइस वो है 249.7 सीसी का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल FI इंजन आपको इसमें आ जाती है गाइस। 13 PS की मैक्स पावर दी गई है जो 9250 RPM पावर को जनरेट करती है, और 25 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है जो 7250 RPM पावर को जनरेट करती है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है लगभग 15 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो बाइक है आपको मैंने जैसा कि बताया हुआ शायद डुअल चैनल ये भी इसके साथ में आपको देखने के लिए मिल जाती है, फ्रंट में भी आपको ABS आ जाती है और रियर में भी आपको ABS आ जाती है। अगर टायर साइज़ की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 110/70 R17 की आपको फ्रंट में टायर देखने के लिए मिल जा रही है, और यहाँ पे जो डिस्क प्लेट दिया गया है मतलब जो 300 cc की बाइक होती है उसमें भी इतना बड़ा डिस्क प्लेट आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, और ये 250 cc की बाइक है उसमें आपको मिला है 320 mm का आपको डिस्क देखने के लिए मिल जा रहा है इसमें, और ये डुअल चैनल भी इसके साथ में आ जाती है, फ्रंट और रियर में आपको डुअल देखने के लिए चैनल मिल जाता है। और रियर टायर की अगर मैं बात कर लूँ तो 150/60 R17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है, और 240 mm का डिस्क आपको रियर में भी देखने के लिए मिल जाता है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI क्या आने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी देर से मैं जो है फीचर आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ऑन रोड प्राइस, तो ऑन रोड प्राइस आने वाली है इसकी 278,228 रुपये आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर इसकी डाउन पेमेंट की मैं बात कर लूँ तो 38,428 रुपीज़ दे करके आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। जी हाँ, इसकी जो डाउन पेमेंट आ रही है वो है 38,428 रुपीज़ आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। उसके बाद जो मंथली EMI है वो मैं आपको बता दूं कि अगर 24 मंथ के लिए लोन करवाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 24 महीने के लिए लोन करवा सकते हैं तो 12,834 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है, और 36 महीने के लिए अगर आप इसको लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली EMI है 8,611 रुपये आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है 36 महीने के लिए, और 48 मंथ यानी कि 48 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली EMI है 6,875 रुपीज़ आपको इसकी मंथली EMI आने वाली है 28 मंथ के लिए गाइस। ठीक है, तो ये हो गई लो डाउन पेमेंट आ रही है आपकी 38,428 रुपीज़, और लो EMI आ रही है इतना। तो ये जो मैंने आपको बोला सिविल आकर आपको 7,750 तो आपको ये जो है आराम से इतना डाउन पेमेंट में ये बाइक मिल जा सकता है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि जिनकी भी ड्रीम बाइक हो ये अब इतना डाउन पेमेंट में ये बाइक नहीं ले सकते हैं क्या, आराम से ले सकते हैं। ठीक है, मात्र यहाँ पे जो डाउन पेमेंट आ रही है 38,000 आ रही है, तो आराम से आप इस बाइक को ले जा सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी है, ये जो डाउन पेमेंट थी मैंने बताई 90% फंडिंग और 10% जो है डाउन पेमेंट। ठीक है, अब बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग इसे 70% फंडिंग करवाते हैं और 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो उसकी जो है EMI क्या आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे डाउन पेमेंट आने वाली है 91,778 रुपीज़ आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे EMI की अगर बात कर लूँ तो 24 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो 9,425 रुपीज़ के आसपास आपको इसकी मंथली EMI
आने वाली है और 36 मंथ के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 6717 रुपीज़ के आसपास आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। और 48 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 5362 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 48 मंथ के लिए। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो ये जो है कोटेशन आप लोग आराम से देख लेना, यहाँ पे जो है बाइक का नाम, यहाँ पे ऑन रोड प्राइस, यहाँ पे लोन अमाउंट इतना आने वाला है, यहाँ पे डाउन पेमेंट इतना आने वाला है और इतनी तरह के ईएमआई 750 प्लस अगर सिविल स्कोर हुई तो उनके लिए। और ये जो है यहाँ पे तो ऑन रोड प्राइस आ गई, यहाँ पे लोन अमाउंट और यहाँ पे जो है डाउन पेमेंट अगर ज़्यादा करनी है डाउन पेमेंट उनके लिए ये चीज़ है, ये डाउन पेमेंट है और यहाँ पे ये ईएमआई है। तो आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं भाई। बाकी अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लेकर क्या नहीं होगी। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, ATM, बिजली बिल का स्लिप, ये सब चीज़ें आपको लेकर के आनी होगी तो आपका लोन का प्रोसेस जो है इजी में हो जाएगा और 2 से 3 घंटे में आपको बाइक जो है आराम से मिल जाएगी गाइस। बाकी यहाँ का अगर एड्रेस मैं बता दूँ तो देख सकते हैं कि KTM का शोरूम है जो अनिसाबाद बाईपास रोड पे है पटना बिहार में। तो आप लोग को यहाँ का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो चाहे तो आप लोग बात करके यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना और अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम का नाम आपको देखने के लिए मिल रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपसे DM में बात कर लूँगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और कमेंट करके बताना कि आपको कौन से बाइक से रिलेटेड वीडियो देखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।